वीवो, ये तूने क्या कर डाला आज दोस्तों। मैं वीवो V15 प्रो जो आज ही लॉन्च हुआ, इसके बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ। इसके बारे में आपने बहुत सारी अनबॉक्सिंग देख लिया होगा, आपके मन में विचार आ रहे होंगे क्या ये फोन अच्छा है, क्या ये फोन बुरा है, तो आज मैं सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज्ञान थेरेपी, प्रेस बेल आइकन एंड डोंट मिस अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, गला खराब है, तो आवाज पे थोड़ा सा प्लीज आप माइंड मत करना। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं वीवो के V15 प्रो के बारे में। मैं इसके बारे में आज साथ साथ अपना ओपिनियन देता रहूंगा, अच्छाई बुराई दोनों बताता रहूंगा, जिसके बाद आप आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले से। इसमें आपको मिल जाता है 6.3 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड फुल व्यू डिस्प्ले। अब यहाँ पे फुल व्यू का मतलब क्या है कि दोस्तों, यहाँ पे आपको नोच नहीं मिलता, ना छोटा नोच, ना बड़ा नोच, ना पंच होल, कुछ भी नहीं मिलता। आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक 2.5D कर्व ग्लास है, साइड से थोड़ा सा कर्व होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं होगी, एकदम बढ़िया डिस्प्ले है। और इसी डिस्प्ले में आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसकी मदद से आप क्या कर पाएंगे, फोन को अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फोन को टच करना, फोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं वो इतने एडवांस होते नहीं है, दिखने में खाली अच्छे लगते हैं, यहाँ इतने ज्यादा एडवांस ये काम करते नहीं है। लेकिन वीवो के V15 प्रो में नेक्स्ट जनरेशन फिंगरप्रिंट यूज हुआ है, यहाँ पे आपको 5th जनरेशन यूज हुआ है, जो प्रीवियस वर्जन से एडवांस है, अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब भी हम फिंगर टच करते हैं, जैसे जैसे फोन पुराना हो जाता है या फिर उंगली पे थोड़ा भी डस्ट लगा रहता है, तो धीरे धीरे वो अच्छे से काम नहीं करता। शुरू में तो करता है, लेकिन क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन है तो पिछले से तो अच्छा ही काम करने वाला है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं कहूं कि ये उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कभी कर पाएगा जितना नॉर्मल फिंगरप्रिंट आपका काम करता है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात कर लेते हैं हम इसके एंड्रॉयड वर्जन पे, यूजर इंटरफेस पे। तो इस पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 पाई मिल जाता है, जो बहुत बढ़िया है कि आज की डेट में जो भी फोन मिल रहे हैं उसमें एंड्रॉयड 9 पाई तो चाहिए ही चाहिए, और इसमें है। और साथ ही में इसमें आपको जो यूजर इंटरफेस मिलता है वो मिलता है फन टच। फन टच यूजर इंटरफेस आपको मिल जाता है, इसमें आपको अचरा कचरा सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, बहुत सारी कबाड़ एप्लीकेशंस ये लोग डाल के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा ये है कि आप इन एप्लीकेशंस को टैप करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इजीली आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी कचरा एप्लीकेशंस है, चाइनीज एप्लीकेशंस या वगैरह वगैरह, उनको आप रिमूव कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की जान दिल धड़कन को, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर इसका है स्नैपड्रैगन का 675। ये इंडिया का पहला फोन है जिसमें ये प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, जो कि 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक बेहतरीन प्रोसेसर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे से मैनेज भी किया हुआ इसने। और यहाँ पे इस प्रोसेसर का जो बेंचमार्क स्कोर आता है वो आता है 1,78,000 के आसपास। तो यानी कि अगर आप है गेम के शौकीन, पबजी खेलने के लिए फोन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाई ग्राफिक्स पे भी आप क्या करेंगे, पबजी को एंजॉय कर पाएंगे और सब्जी को खा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर से कोई शिकायत नहीं आने वाली, प्रोसेसर एकदम मस्त है। अब बात कर लेते हैं इसके रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। तो इसमें आपको एक ही वेरिएंट इंडिया में मिल पाएगा, 6 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल मेमोरी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे वीवो वालों ने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया, ये हालांकि ये काम करते नहीं थे, ये लोग बहुत बार गलती करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपको जो स्लॉट मिल जाता है तो 2 SIM एक जगह लगा पाएंगे, और एक और स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, यानी कि आप 2 SIM के साथ एक मेमोरी कार्ड इस फोन में लगा सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था ये लोग हाइब्रिड सिम स्लॉट जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया, जो इसका प्लस पॉइंट बन जाता है। अब आ जाते हैं मोबाइल की शान पे, यानी कि कैमरे की बात करते हैं। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। 48 मेगापिक्सल आपका मेन कैमरा है, हालांकि 48 मेगापिक्सल एक्चुअली ये होता नहीं है, 48 मेगापिक्सल का सेंसर यूज होता है, जो सैमसंग का सेंसर यूज हुआ, और ये 12 मेगापिक्सल का है। तो आप ये समझ लीजिए कि सेंसर की मदद से हम 12x4 48 मेगापिक्सल तक यूज कर पाते हैं। और आपको जो 8 मेगापिक्सल वाला मिलता है वो है वाइड एंगल के लिए, काफ़ी सारे लोगों की फोटो खींचने के लिए। और आपको जो तीसरा मिलता है वो है 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग, यानी कि जब आप पोर्ट्रेट मोड वगैरह की फोटो लेते हैं वो जो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है तो उसमें काम आता है। तो ये तो इसका कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और इसकी कैमरे की अगर एक और बात करें तो इसमें लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आपको अलग से एडवांस फीचर दे रखा है, जिसमें आप क्या करेंगे कि लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी कर पाएंगे, कम रोशनी में भी आप एक अच्छी फोटो क्लिक कर पाएंगे। अब आ जाते हैं उस कैमरे की बात पे जो हमारे काम आने वाला, हमारी फोटो खींचने वाला, यानी कि सेल्फी कैमरे के बारे में। तो सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का, ये वर्ल्ड का पहला फोन है जिसमें सबसे पहले 32 मेगापिक्सल का कैमरा यूज हुआ है।
और भी फ़ोन है लेकिन सबसे पहले इसी में इस्तेमाल हुआ है। और इस फ़ोन में आपको 32 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है पॉपअप कैमरा है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में, इसी की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, फेस को अनलॉक कर पाएंगे, यानी कि फेस अनलॉक का सहारा इसी से लेंगे आप। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब भी आप फ़ोन को फेस अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे ये पॉपअप कैमरा बाहर आएगा, तब आपके फेस को अनलॉक करेगा और अंदर चला जाएगा। और इस प्रोसीजर को करने में उसको लग जाता है लगभग हाफ सेकेंड, यानी कि फेस अनलॉक तो ये फास्ट करता है लेकिन मैकेनिज्म की वजह से, ऊपर नीचे जाने की वजह से उतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको जैसे कि OnePlus 60 है या इनमें मिलता है कि आपने क्लिक किया इंस्टेंट ओपन हो जाता है। ओपन तो ये भी करता है लेकिन वो जो ऊपर नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसकी वजह से हल्का सा आधा सेकंड का टाइम लग जाता है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, फेस अनलॉक फास्ट है लेकिन नहीं है मैकेनिज्म की वजह से। तो अब आ जाते हैं बैटरी, बाकी फीचर एक तरफ बैटरी भी बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ पे बैटरी के मामले में इन्होंने दिल तोड़ दिया। ये मैंने जब पहले भी वीडियो बनाई थी यही लाइन बोली थी, वहां पे मैंने बताया था इसमें 3700 mAh की बैटरी होने वाली है। अब अगर इसमें आपको कोई कुछ भी कहे कि इसका मैनेजमेंट अच्छा किया गया है, प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है, सारी बातें सही है, तो डिस्प्ले बड़ी है इसकी वजह से बैटरी की रिक्वायरमेंट होती होती है। मैनेजमेंट एक तरफ, बैटरी आपका जो है कम है, 3700 mAh नहीं चलेगा, मिनिमम से मिनिमम इसको 4000 mAh देना ही चाहिए था। और अगर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँ कि बहुत लोग कहेंगे कि इसको हल्का करने के लिए किया गया, तो हल्का करना एक पॉइंट है लेकिन वो बचने का तरीका होता कहने का, क्योंकि इसमें मेटल बॉडी यूज भी नहीं हुई है। तो मेटल बॉडी यूज नहीं हुई है तो बैटरी को तो बढ़ा ही सकते थे। यहाँ पे जो आपकी बॉडी है वो ग्लासी फिनिश के साथ इस्तेमाल हुई है जो दिखने में एकदम मस्त लगता है, शाइन करता है। तो यहाँ पे बैटरी कम है, बैटरी और इनको बढ़ाकर देना चाहिए था। और अगली कमी इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने टाइप सी पोर्ट नहीं दिया, इन्होंने नॉर्मल पोर्ट दिया, टाइप सी दे देना चाहिए था। आप अच्छा खासा फोन दे रहे हो तो टाइप सी क्यों मिस कर दिया, छोटी छोटी गलतियां करेंगे जरूर। और अगर मैं साथ में बात करूं तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, ये अच्छी बात है। तो अभी आ जाते हैं इसके रेट पे, इस फोन का जो रेट होने वाला है 28,990 यानी कि 29,000 का ये फोन होने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले भी 10 दिन पहले वीडियो में यही बताया था कि इस फोन का रेट होना चाहिए 27-28 के आसपास, तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि इस फोन का रेट 2,500 रुपये ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन अगर जिसको बाकी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो इससे बहुत बड़ा मैटर नहीं करता रेट इसका। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन मिलेगा कब से, ये फ़ोन की प्री बुकिंग तो शुरू हो चुकी है, ये आपको मिलेगा 6 मार्च से अम्माजान यानी कि अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, पेटीएम पे, ओप्पो इंडिया पे, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी इस फोन को ले पाएंगे, आपको अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस फोन को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, आपको कैसा लगा ये फोन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।